Hello and welcome back to Creative Ashwini. Today I am going to show you easiest way to cut and stitch pencil skirt at home. यहाँ पे मैंने ये स्कर्ट बनाने के लिए प्लीटेड क्लोथ का यूज़ किया है. ये बनने के बाद बहुत ही क्लासी और पार्टी वेयर लुक देगा. इसका मेजरमेंट मैं पहले पेपर पे बता रही हूँ. ये आपको बनाने में बहुत ही ईजी होगा. यहाँ पे ये जैसे क्लोथ होगा, क्लोथ को हमें फोर फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद में जो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट है उसका फोर्थ पार्ट हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है. यहाँ पे मेरा वेस्ट जो मेजरमेंट है उसका मेजरमेंट है 28 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा 7 इंच. तो ये जो मार्किंग है मैं 7 इंच पे ले लूँगी. यहाँ पे मैं प्लीटेड क्लोथ यूज़ कर रही है तो मैं एक्स्ट्रा मार्जिन से स्टिचिंग के लिए लूँगी और बाकी और कुछ भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है इसके अलावा. और जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट मेजरमेंट है वो हिप राउंड का फोर्थ पार्ट करना है. तो हिप राउंड का फोर्थ पार्ट करने के बाद में यहाँ पे जो मेजरमेंट है वो 8 इंच आ रहा है. तो यहाँ पे हमें 8 इंच का मार्किंग कर लेना है और एंड वाला जो लेंथ है वो लेंथ का मार्किंग हमें अपने हिसाब से करना है. मैं यहाँ पे 7 ले रही हूँ. अगर आपको और टाइट चाहिए तो आप इसके हिसाब से मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं. और यहाँ पे वेस्ट टू हिप राउंड का जो हम लोग शेप देंगे वो थोड़ा कर्व में देना है और नीचे वाली लाइन में हमें इसे जॉइंट कर लेना है. और इसे कट कर लेना है. सेम मेथड हमें क्लोथ के ऊपर अप्लाई करनी है. ये कट होने के बाद कुछ इस तरह लगेगा और हमें इसे साइड से स्टिच दे देनी है और एंड वाला पोर्शन है इसे हेम कर लेना है और ऊपर में हम लोग बेल्ट लगाएंगे. तो वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिए क्योंकि इसमें बेल्ट लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. और यहाँ पे मैंने प्लीटेड क्लोथ लिया है, इसे मैंने फोर फोल्ड कर लिया है जैसे कि मैंने पेपर पे बताया था. यहाँ पे जो वेस्ट लाइन है वहाँ पे मैं 7 इंच मार्क कर लूँगी. यहाँ पे जो हिप राउंड था उसका मेजरमेंट 8 इंच था. 8 इंच पे मैंने मार्क करके यहाँ पे हमें 8 इंच पे मार्क कर लेना है. और जितनी हमें फुल लेंथ लेनी है उतनी फुल लेंथ लेके जो नी राउंड है उसका मेजरमेंट लेके यहाँ पे हमें मार्किंग कर लेनी है. अब इस क्लोथ को कट कर लेना है. अब हम लोग जो साइड है साइड से हम यहां से स्टिच कर लेंगे. हमें दोनों साइड से स्टिच कर लेना है. यहाँ पे मैंने इलास्टिक ले लिया है. वेस्ट राउंड जो होता है उससे हमें 3-4 इंच वेस्ट इलास्टिक कम लेनी पड़ती है. तो यहाँ पे जैसे मेरी वेस्ट राउंड था 28 तो मैंने यहाँ पे 24 इंच का इलास्टिक ले लिया है. अब इसे जो मैं यहाँ पे क्लोथ यूज़ कर रही हूँ वो प्लीटेड क्लोथ है तो उसके ऊपर प्लीट्स करके हमें ये इलास्टिक अटैच कर लेनी है. अब मैंने यहाँ पे इलास्टिक को स्टिच कर लिया है. ये देखिए इलास्टिक स्टिच हो गई है और ये बनने के बाद कुछ इस तरह लग रहा है. ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी और पार्टी वेयर लुक देगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट बेल आइकन फॉर मोर सच वीडियो. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.